जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लोग होते हैं, और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में पॉपअप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है लेकिन शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है, शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े, पीएम फ्री स्कूल की 6,207 स्कूल को पहला किस्त भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं, मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। अध्यक्ष जी, दूसरा जो शिक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेज, ये सब बनते हैं। लेकिन हमने देखा हमेशा, ये जो लिस्ट हमको मिली है सर, इसमें 12 ऐसे जिले हैं झारखंड के जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड है, और वो सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है जो भारत सरकार का मापदंड 112 है, और वो सारे के सारे जिले, 6 संथाल परगना के हैं, एक जो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री है अनुपूर्णा जी उनका क्षेत्र है जो हमसे सटा हुआ है, और गिरिडीह है। तो 12 जिले में से झारखंड के 8 जिले ऐसे हैं जो कि संथाल परगना और उसके इर्द गिर्द है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रभावी होने के कारण वो रांची जैसे जगह में बन जाता है या राज्य की राजधानियों में बन जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह भी है और यह प्रश्न भी है कि क्या आप इस लिस्ट को देखते हुए संथाल परगना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक इकाई या जो रांची विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका एक कैंपस खोलेंगे जिससे कि हम अपने तरफ से जो है शिक्षा को बढ़ावा दे पाए? अध्यक्ष महोदय, अभी फिर मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये यूनिवर्सिटी या सेंट्रल स्कूल करने की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यों की एक प्रमुख जिम्मेवारी है। लेकिन मैं आदरणीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा, अभी जो नया पीएम उषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षण अभियान, रूसा की जो नया संस्करण 23-24 से 25-26 तक चलेगा, इसमें प्रदेशों की आकांक्षी जिले को, एस्पिरेशनल जिले को प्राथमिकता दी जाएगी।